सीरीज ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के 16th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं 15 वीडियोज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MA क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप MA क्लासेस को क्लिक करें। MA क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। आप 2D में पढ़े होंगे लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक उसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो डिस्टेंस होता है ओ से बी तक का जो डिस्टेंस उसको मान लेते हैं बी, जिसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। और इस लाइन का इक्वेशन आप जानते हैं कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अगर लाइन एक्स एक्सिस को ए इंटरसेप्ट काट रहा है, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट काट रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन। बिल्कुल ऐसे ही 3D में भी इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। देखिए क्या है कि द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इंटरसेप्टिंग लेंथ्स ए बी एंड सी विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली इज दिस। क्या है कि अगर ये कोई प्लेन है, आप ये जो देख रहे हैं वो प्लेन है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पर, वाई एक्सिस को काट रहा है क्यू पॉइंट पर और जेड एक्सिस को काट रहा है आर पॉइंट पर, तो ये जो डिस्टेंस है ओ पी, वो मान लीजिए स्मॉल ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो स्मॉल ए है, ओ से क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है और ओ से आर तक का डिस्टेंस है वो स्मॉल सी है, तो इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, इसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहेंगे जेड इंटरसेप्ट। तो अगर इंटरसेप्ट ए काट रहा है, बी काट रहा है और सी काट रहा है एक्सिस पर, तो इस प्लेन का इक्वेशन होगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू वन। जैसे स्ट्रेट लाइन में था, 2D में था, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, वहाँ पर दो ही एक्सिस था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन था, यहाँ पर तीन एक्सिस है तो इसका इक्वेशन होगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू वन। अब ये इंटरसेप्ट कैसे काट रहा है प्लेन में, थ्री डायमेंशनल फिगर में, तो इसको जरा समझिए इस फिगर से। आप देखिए यहाँ पर एक ग्रीन एक्सिस है, एक रेड एक्सिस है, एक ब्लू एक्सिस। मान लीजिए ग्रीन वाला को एक्स एक्सिस, रेड वाला एक्सिस को वाई एक्सिस और ब्लू वाला जो खड़ा है उसको जेड एक्सिस। तो आप देख रहे हैं ये जो प्लेन है, ये प्लेन तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट पर एक्स एक्सिस को, बी पॉइंट पर वाई एक्सिस को और सी पॉइंट पर जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओ से, ओरिजिन से जो ए डिस्टेंस है उसको हम लोग एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, वाई ओरिजिन से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे और जो जेड एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है सी पॉइंट पर, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग जेड इंटरसेप्ट कहेंगे। तो इस तरीके से ये इंटरसेप्ट कर रहा है तीनों एक्सिस को। इस तरीके का कोई प्लेन है, आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके का कोई प्लेन है और ये इसी प्लेन का इक्वेशन हम लोग को प्रूव करना है कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू वन होगा। तो चलिए अब देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या लिखते हैं कि लेट द गिवन प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेज ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एट पी क्यू एंड आर। यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये मान ले रहे हैं और वाई एक्सिस को क्यू पर और जेड एक्सिस को आर पर। तो सपोज करते हैं एक्स एक्सिस को पी पर, वाई एक्सिस को क्यू पर और जेड एक्सिस को आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट ओ पी इक्वल टू ए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए है, ओ क्यू इक्वल टू बी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है और ओ आर इक्वल टू सी, ये जो डिस्टेंस है वो सी है।
तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, यहाँ पर पॉइंट आर होगा, पी क्यू एंड आर आर रिस्पेक्टिवली कौन कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, देखिए जरा समझिए। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। पहले आप लोग को बताया गया है, पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है यही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए, और ये पॉइंट पी जो है वो एक्स एक्सिस पर है इसीलिए वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ये पॉइंट क्यू जो है वो वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर होने के कारण एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा बी होगा। ये पॉइंट आर जेड एक्सिस पर है, इसका x और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और यहां से यहां तक ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो c कोऑर्डिनेट हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि z कोऑर्डिनेट c के बराबर। तो p q और r ये तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स p q एंड r आर रिस्पेक्टिवली a कॉमा 0 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा b कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 0 कॉमा c रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहां पर कैसे इसका इक्वेशन निकालते हैं, जरा समझिए। ये जो पॉइंट प्लेन है वो पास कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट पी से, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिए मैं लिखता हूँ, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो इज, इस पी पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, मैं बता चुका हूँ पहले इसके पहले वाले वीडियो में, ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस जीरो प्लस सी इंटू जेड माइनस जीरो, तो ये होता है इक्वल टू जीरो। ये हो जाता है एक प्लेन का इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी और सी जो कैपिटल सी है यहाँ पर, तो ये जो है वो कोई कांस्टेंट होगा जिसका वैल्यू हम लोग बाद में निकाल लेंगे। तो इस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन ऐसे ही लिख सकते हैं। अब चूंकि ये प्लेन पॉइंट R से भी और Q से, ये दोनों से पास कर रहा है, तो Q और R का कोऑर्डिनेट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको नंबर वन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सिंस दिस प्लेन पासेज थ्रू पॉइंट्स Q हुज कोऑर्डिनेट्स आर जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो एंड R हुज कोऑर्डिनेट्स आर जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी, तो देयरफॉर ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है ये प्लेन, इसका इक्वेशन ये इसका कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग पुट कर देते हैं, ए इंटू एक्स की जगह जीरो जीरो माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर वाई के जगह बी बी माइनस जीरो प्लस सी, और जेड की जगह पुट कर रहे हैं जेड कोऑर्डिनेट जीरो है जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए इंटू कैपिटल ए प्लस यहाँ पर b इंटू स्मॉल b, और ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो इंटू सी इक्वल टू जीरो। एंड दूसरा ये पॉइंट से भी पास कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेगा, तो x कोऑर्डिनेट जीरो पुट कर देते हैं, a इंटू जीरो माइनस ए प्लस b इंटू वाई के जगह जीरो पुट करना है जीरो माइनस जीरो प्लस सी इंटू जेड माइनस जीरो, जेड की जगह सी है माइनस जीरो, ये कैपिटल सी है यहाँ पर और अंदर स्मॉल सी इक्वल टू जीरो, इसको नंबर टू कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से अब क्या आ रहा है, माइनस ए इंटू कैपिटल ए, यहाँ पर जीरो इंटू बी, और यहाँ पर स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी इक्वल टू जीरो, नंबर थ्री कर देते हैं। अब ये दोनों से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या लिखेंगे जरा समझिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आ रहा है, जैसे ये कॉमन देखिए, कॉमन ए है कैपिटल ए लिख जाइए, फिर यहाँ पर अभी नीचे बाद में लिखेंगे कैपिटल बी, नीचे भी बाद में लिखेंगे कैपिटल सी, नीचे बाद में लिखेंगे, तो देखिए कैपिटल ए के नीचे क्या लिखना है, इसको छोड़ देना है, b इंटू सी, यहाँ स्मॉल b इंटू सी माइनस जीरो इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, b के नीचे क्या लिखेंगे जीरो इंटू माइनस ए माइनस जी, मतलब ये जीरो हो जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई करने पर, और फिर c इंटू माइनस ए और खुद माइनस होता है तो प्लस ए सी हो जाएगा यहाँ पर। अब c के नीचे क्या लिखेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे माइनस ए इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा प्लस ए बी, यहाँ पर ये खुद माइनस है और माइनस होता है तो प्लस ए बी। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये कितना आ रहा है, जरा समझिए, ए डिवाइडेड बाय बी सी और इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू
सी डिवाइडेड बाय ई बी और इक्वल टू आप लेमडा मान लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं से, यहाँ पर लेमडा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से कैपिटल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बी सी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी सी लेमडा, फिर कैपिटल बी का वैल्यू क्या होगा ए सी लेमडा, और कैपिटल सी का वैल्यू क्या होगा ए बी लेमडा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी का वैल्यू ए बी लेमडा। अब ए बी सी का जो वैल्यू निकला हुआ है वो हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। तो अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट करके क्या आएगा। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन वी गेट, यहाँ ए का वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू है बी सी लेमडा और यहाँ है एक्स माइनस ए, प्लस बी का वैल्यू पुट कर रहे हैं ए सी लेमडा ए सी इंटू लेमडा इंटू वाई, और फिर सी का वैल्यू यहाँ पर सी का वैल्यू है ए बी लेमडा और यहाँ पर सिर्फ जेड बच रहा है जेड इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर लेमडा प्रत्येक में है, लेमडा से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा बी सी एक्स माइनस ए बी सी, लेमडा से डिवाइड करते रहें, लेमडा से डिवाइड करेंगे तो लेमडा कैंसिल हो जाएगा ए सी वाई हो जाएगा, लेमडा से डिवाइड करेंगे लेमडा कैंसिल हो जाएगा ए बी जेड इक्वल टू जीरो हो गया। ए बी सी को आप उधर ले जाइए तो बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल टू ए बी सी, अब ए बी सी से प्रत्येक में डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं बी सी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी सी, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं प्लस है प्लस है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ए सी वाई है तो ए सी वाई डिवाइडेड बाई ए बी सी से डिवाइड करेंगे, और प्लस ए बी जेड यहाँ पर भी ए बी सी से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी ए बी सी से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो रहा है अब बी सी बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस यहाँ पर ए सी ए सी कैंसिल हो जाएगा वाई डिवाइडेड बाई बी प्लस यहाँ ए बी कैंसिल हो जाएगा जेड डिवाइडेड बाई सी और यहाँ पर वन। तो यही प्लेन का इक्वेशन हो गया, अर्थात यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्लेन जो ए बी सी इंटरसेप्ट काट रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर, तो उस प्लेन का इक्वेशन होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन, इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेज आर 2, माइनस 3 एंड 4। ये इंटरसेप्ट है 2, माइनस 3 और 4 किसी भी प्लेन का, तो उसका हम लोग को इक्वेशन लिखना है। तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेज आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय, अगर किसी प्लेन का इंटरसेप्ट ए बी और सी है तो उस प्लेन का इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन। ये भी हम लोग प्रूफ करके देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ए इक्वल टू क्या है। इंटरसेप्ट ए जो है वो ए इक्वल टू है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2, फिर b इक्वल टू है माइनस 3 और c इक्वल टू है 4, तो ये इंटरसेप्ट हो गया। अब हम लोग लिखते हैं देयरफोर इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, जो प्लेन दिया हुआ है गिवन प्लेन इज क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन x बाई ए ए के जगह 2 प्लस y बाई बी बी के जगह माइनस 3 प्लस z डिवाइडेड बाई c c के जगह आपका दिया हुआ है 4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 12 एलसीएम आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 एक्स हो गया, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे माइनस 4 आएगा तो माइनस 4 वाई और प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 3 जेड इक्वल टू 1 हो रहा है। तो ये 12 को आप उधर ले जाइए तो ये आ रहा है 6x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12। तो ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल था जो आपका दिया हुआ था, इंटरसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद इक्वेशन निकालना था तो इजीली हम लोग निकाल लिए। अभी कुछ सवाल मैं बताऊंगा जिसमें क्या होगा कि इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना रहेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा या इंटरसेप्ट निकालना रहेगा। तो आप ऐसा कीजिएगा जैसे ये 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ जो राइट साइड में कॉन्स्टेंट होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा और ये प्रत्येक में डिवाइड कर दीजिए
तो इसमें 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 प्रत्येक में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल जाएगा, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल जाएगा तो एक्स इंटरसेप्ट 2 हो गया, वाई इंटरसेप्ट -3 हो गया, जेड इंटरसेप्ट 4 हो गया। तो कभी कभी ऐसा इक्वेशन दिया हुआ रहता है और उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, तो उल्टा प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस से हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिड्यूस द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन दिया हुआ है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेज, और फिर कोऑर्डिनेट एक्सेज पर जो इंटरसेप्ट काट रहा है उसको भी निकालना है। तो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 4x प्लस 3y माइनस 6z माइनस 12 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 को उधर ले जाएंगे, तो कांस्टेंट जो टर्म है वो हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो इक्वल टू 12। अब डिवाइड कर देते हैं प्रत्येक में 12 से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12 वी गेट, हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तो y डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तो z डिवाइडेड बाय 2 आएगा, यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये आ रहा है x डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ वो लिखिए y डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर माइनस को कीजिए प्लस, और ये जो माइनस है वो यहाँ पर लिख जाते हैं इक्वल टू 1। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, यहाँ पर लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कौन सा फॉर्म में आ गया, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया। यहाँ पर आप देखिए a की जगह क्या आ रहा है, लिखेंगे हेयर a इक्वल टू, a का वैल्यू 3 है, फिर b का वैल्यू चेक कीजिए, b का वैल्यू क्या है, b की जगह 4 है, और C की जगह हम लोग देखते हैं तो C की जगह है -2। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि इंटरसेप्ट जो है वो कितना ये एक्सेस के साथ काट रहा है, 3, 4 और -2। तो देयरफोर इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रिस्पेक्टिवली, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ इंटरसेप्ट जो काट रहा है वो 3, 4 और -2 हो गया। तो ये आंसर हो गया। तो अगर कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ, जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया हुआ किसी प्लेन का, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर रिड्यूस कर दिए तो उसका हम लोग इंटरसेप्ट पता कर सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट ये काट रहा है। तो चलिए आप देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4, 6, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। जैसा आप इसको फिगर से समझिए कि एक हम लोग प्लेन लेते हैं जो इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। सपोज कीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक ऐसा प्लेन है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, यानी कि अगर x एक्सिस के साथ a इंटरसेप्ट काट रहा है, y एक्सिस के साथ भी a काटेगा और z एक्सिस के साथ भी a। मान लीजिए ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है और ये पॉइंट c है, तो ये तीनों OA, OB और OC ये तीनों जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट है, और ये प्लेन जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 4, 6 दिया हुआ है, 2, 4, 6 ये दिया हुआ है, इस पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो कैसे बनाते हैं जरा समझिए। यहाँ हम लोग लिखते हैं कि लेट द गिवन प्लेन कट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ए बी एंड सी, सॉरी ए बी सी नहीं लिखते हैं, ए और ए लिख देते हैं, ए और ए तीनों में हम लोग इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है ये लिख रहे हैं। लेट द गिवन प्लेन कट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ए कॉमा ए एंड ई, तीनों में ए इंटरसेप्ट काट रहा है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा इज एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी, बी की जगह भी इंटरसेप्ट ए है
और प्लस z डिवाइडेड बाय सी, सी की जगह भी a है, इक्वल टू वन। अब यहाँ पर a एलसीएम आप ले लीजिए तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन हो जाएगा। a को आप उधर ले जाइए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a आ रहा है, इसको नंबर वन कर देते हैं। अब चूंकि ये प्लेन जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट 2, 4, 6 से पास कर रहा है, तो ये जब पॉइंट इस प्लेन पर है, इस प्लेन के इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, और इस प्लेन का इक्वेशन यही है तो इसको जरूर ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस दिस प्लेन पासेज थ्रू, यहाँ पर लिख रहे हैं कि सिंस दिस प्लेन पासेज थ्रू पॉइंट, पासेज थ्रू पॉइंट, जो पॉइंट से पास कर रहा है कौन सा पॉइंट, पॉइंट 2, 4, 6, तो ये जरूर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x के जगह 2 पुट कर देंगे, प्लस y के जगह 4 और प्लस z के जगह 6 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 12, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12 आ गया। अब a का वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब यहाँ पर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा ये हम लोग लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्लेन इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा था एक्सिस के साथ और इस पॉइंट से पास कर रहा था, उसका इक्वेशन हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। तो अब चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए बी एंड सी, ए बी सी पर कोई भी प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ मिल रहा है, तो सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी जो बन रहा है उसका सेंट्रॉइड ये है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है। कैसा होगा जरा फिगर समझिए, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, आप इमेजिन कीजिएगा क्योंकि थ्री डायमेंशनल फिगर को प्लेन पर बनाना मुश्किल है। तो ये सपोज कीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और एक प्लेन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जा रहा है और इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम लोग को पता करना है कि इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स एक्सिस को तो ए पर इंटरसेक्ट कर ही रहा है, तो मान लेते हैं लेट ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी और ओ सी इक्वल टू सी, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया स्मॉल सी। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली, कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है और एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होगा और एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, तो ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पर पॉइंट है तो उसका होता है एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस हो जाएगा। फिर ये जेड एक्सिस पर है तो इसका एक्स और वाई जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट स्मॉल सी हो जाएगा, ये स्मॉल सी है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए जीरो जीरो, फिर बी जीरो बी जीरो एंड सी का हो जाएगा, यहाँ पर बी नहीं लिखना है, बी यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, और सी का हो जाएगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी। अब देखिए ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है तो इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकलता कैसे है आप लोग को पता होगा, तीनों के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसका x2 y2 z2 है, इसका x3 y3 z3 है, तो x1 plus x2 plus x3 divided by 3 होता है कोऑर्डिनेट। तो तीनों का कोऑर्डिनेट a plus 0 plus 0 divided by 3, फिर 0 plus b plus 0 y कोऑर्डिनेट तीनों को ऐड कर रहे हैं, 0 plus b plus 0 और divided by 3, फिर z कोऑर्डिनेट 0 plus 0 plus c divided by 3, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, a डिवाइडेड बाय 3, b डिवाइडेड बाय 3 और c डिवाइडेड बाय 3।
अब देखिए सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 1-2-3 दिया हुआ है, बट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है 1-2-3, तो ये भी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकला है और ये भी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, ए डिवाइडेड बाय 3, बी डिवाइडेड बाय 3 और सी डिवाइडेड बाय 3 किसके इक्वल होगा, इक्वलेंट हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1-2 और 3 के इक्वलेंट। तो ये इक्वलेंट होता है, कोऑर्डिनेट कोई नंबर नहीं है कि इक्वल होगा, ये कोऑर्डिनेट जो है वो तीन नंबर का एक साथ में एक कम्बिनेशन लिखा हुआ है, ग्रुप है एक, तो ये तीनों इक्वलेंट हो गया। तो यहाँ पर a डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1, b डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 और c डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3। अब ये x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर, z कोऑर्डिनेट के बराबर, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, b इक्वल टू आ जाएगा -6 और c इक्वल टू आ जाएगा 9। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन, अब हम लोग को तीनों इंटरसेप्ट मिल चुका है, ए बी सी पता चल चुका है, तो इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b प्लस z डिवाइडेड बाय c इक्वल टू 1। यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू निकाल चुके हैं -6 और c का वैल्यू भी निकाल चुके हैं 9 इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप एलसीएम लेकर के ऐड कर सकते हैं इसको, तो एलसीएम आ जाएगा 18, यानी कि यहाँ पर 6x और यहाँ पर हो जाएगा -6 से डिवाइड करेंगे तो -3y प्लस 2z इक्वल टू 1। 18 को आप उधर ले जाइए तो 6x -3y प्लस 2z इक्वल टू 18। तो ये इक्वेशन निकल गया प्लेन का जिसका सेंट्रॉइड दिया हुआ था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड सवाल अगर आपके बुक में और भी है तो उसको आप बना सकते हैं। ये आरडी शर्मा का सारा सवाल को मैं सॉल्व किया हूँ, आप आरडी शर्मा को बुक को फॉलो कीजिए, एक बेस्ट बुक है आरडी शर्मा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।